Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plug. I hope you all are doing very very good. In the previous video we have talked about the concept of mutual fund structure from top to bottom. I hope you liked that video. Now in this video we shall be talking about the concept of trading commission and upfronting commission in mutual funds. So let's get started with the video. म्यूचुअल फंड में पहले जो कमीशन दी जाती थी एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर को वो परसेंटेज ऑफ एयूएम या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन की बेसिस पर दी जाती थी, बट 2018 में सेबी ने रूल पास कराया. अक्टूबर 2018 में सेबी ने बोला कि अब से जो भी कमीशन दी जाएगी एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर वो सिर्फ परसेंटेज ऑफ एयूएम बेसिस पर ही दी जाएगी. परसेंटेज ऑफ एयूएम बेसिस पर कमीशन देने को ही हम ट्रेडिंग कमीशन बोलते हैं. ट्रेडिंग कमीशन जी हम डेली बेसिस पर कैलकुलेट होती है सभी म्यूचुअल फंड्स में, बट इसको जो एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को पे किया जाता है वो मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर पे किया जाता है. इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एयूएम इनटू में ट्रेडिंग कमीशन का रेट इन परसेंटेजेस पर एनम डिवाइडेड बाय 365 डेज. क्योंकि इसको हम डेली बेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हमने इसको 365 से डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट पार्ट की बात करते हुए अपफ्रंटिंग कमीशन. वैसे तो सेबी ने मना कर रहा है कि एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को अपफ्रंटिंग कमीशन देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट अब ट्रेडिंग कमीशन के साथ साथ सेबी ने एक और रूल पास कराया कि हम ट्रेडिंग कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स को दे सकते हैं, अपफ्रंटिंग कमीशन दे सकते हैं. शर्त यह है कि इन्वेस्टर जो है पहली बार आना चाहिए, उसको कंडीशन है कि पहली बार न्यू इन्वेस्टर होनी चाहिए, उसने फर्स्ट टाइम सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करवाया हो 3,000 रुपीज पर मंथ वाला, और आपको इस पे हम अपफ्रंटिंग कमीशन देंगे 1% पर एनम फॉर 3 ईयर्स ओनली. ठीक है, ये हो गए मेरे अपफ्रंटिंग कमीशन. अपफ्रंटिंग कमीशन का रेट 1% पर एनम का ही फिक्स रहेगा. इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है जो भी इन्वेस्टर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो इंटू में 1% पर एनम बाय 365 डेज. फिर इसमें डिफरेंस या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका प्रीवियस मंथ है उसके डेज से. फॉर एग्जांपल हम इसको जुलाई मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं अपफ्रंटिंग कमीशन को, तो उसमें इसको हम जून मंथ के जो डेज है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे. इस ये सब करने के बाद हमारी अपफ्रंटिंग कमीशन कैलकुलेट हो जाती है. सो इस वीडियो में इतना ही है. इफ यू हैव एनी डाउट सजेशंस इन टू एनी ऑफ माय वीडियोस प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I will try to resolve it in my best possible manner. Stay tuned to my channel for upcoming videos related to finance and stock market. Thank you so much.